दोस्तों एक सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हमारे डिफेंस के जगत के जितने भी लोग हैं वो लगातार सोचते रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों उनके ऊपर सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में हमें लोगों की ज़रूरत होगी जिसमें हम युद्ध को लड़ाई जा सके। दोस्तों ऐसे बड़े बड़े सवाल जो है हमारे डिफेंस एक्सपर्ट के सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद हमें लोगों की ज़रूरत ना पड़े युद्ध को लड़ने के लिए। हम एक छोटी सी माइनॉरिटी ग्रुप को लेकर के पकड़ करके एक एक्सपर्ट रूम बना करके कमरे में बैठे बैठे जो है हम रिमोट कंट्रोल्ड वेपन के साथ जो है पूरे के पूरे देश को तबाह कर सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी आज दुनिया में विकसित हो रही है। दोस्तों इसी तरह की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट के लिए भारत सरकार ने ज़बरदस्त प्लान बनाए हैं और लगातार डीप टेक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कराए जा रहे हैं। साथ साथ हमने जो है अपने स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक एक्स्ट्रा ज़बरदस्त तरीके से फंडिंग करने की भी कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किस दिशा में जाएगा इसको कभी भी कोई नहीं जान सकता है। इसमें लगातार रिसर्च चल रही है, डेवलपमेंट चल रही है। आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे पास ChatGPT जैसा प्रोडक्ट आया है और रिलायंस ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो नवडिया के साथ मिलकर के आने वाले दिनों में हनुमान जैसा ChatGPT एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल इंडिया के अपने कल्चर के हिसाब से, अपने ही ज्योग्राफी के हिसाब से टूल एक तरह से लेकर के आएगा। दोस्तों आने वाले दिनों में बहुत सारी इनोवेशन होने वाली है डिफेंस जगत में। हमें समझना होगा कि हमारे युवाओं को तैयार रहना होगा इन सारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए और हमें ये भी समझना होगा कि दुनिया भर में इसका वेपनाइजेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसलिए हमारे जितने भी ओल्ड इक्विपमेंट हैं, डिफेंस इक्विपमेंट हैं, उनको हमें लैस करना होगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। सरकार भी लगातार सपोर्ट कर रही है मगर हमारी यंग जनरेशन को आगे आना ही होगा और हमें जो है आने वाले दिनों में ऑटोनमस व्हीकल से लेकर के ऑटोनमस वेपन में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके हमें उस हर एक टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करनी है जो आज हमारे पास नहीं है। जैसे 5th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट नहीं है हमारे पास, जैसे ब्रह्मोस है हमारे पास, इस तरह की सुपरसोनिक मिसाइल्स हमारे पास होनी चाहिए, हाइपरसोनिक मिसाइल्स होनी चाहिए, तब जाकर के हम जो है आने वाले खतरे को, जो आने वाले दिनों में जो 6th जनरेशन वॉरफेयर है जिसमें इनविजिबल एनिमी है, इन सभी खतरों से निपटने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा इनोवेट करना होगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा, साथ साथ युवाओं को प्रोत्साहन देना होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।